नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। दिनेश चौधरी हत्याकांड का आरोपी विजय दास चरा पुलिस के हत्थे, सिटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बाढ़ सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से की बात, स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। पटना में शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षकों ने निकाला प्रतिरोध मार्च, राज्यकर्मी का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से उन्मुखीकरण सह दिशा निर्देशन कार्यशाला का हुआ आयोजन, आधुनिक तकनीक पर हुई चर्चा। और हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह, राजस्थानी गीतों पर जमकर लगाए ठुमके। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के बवरगंज थाना क्षेत्र मोदी नगर में जमीन कारोबारी दिनेश चौधरी हत्याकांड के आरोपी विजय दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले की जानकारी दी। सिटी डीएसपी ने कहा कि हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बवरगंज पुलिस ने दिनेश चौधरी हत्याकांड में शामिल अपराधी विजय दास को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डीएसपी ने कहा कि हत्याकांड के दो आरोपी सूरज दास और सुजीत मंडल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हम आपको बता दें कि 15 जुलाई की सुबह परिवार के साथ दिनेश चौधरी बेटे को स्कूल पहुंचाने मानिकपुर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने थानेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। 7 को दिनेश चौधरी की हत्या की गई थी। इस संबंध में मुजाहिदपुर बबरगंज थाना कांड संख्या 195/19 दर्ज किया गया था। कई नामजद अभियुक्त बनाए गए थे इसमें, जिसमें आज थाना अध्यक्ष बबरगंज ने नामजद अभियुक्त विजय दास को गिरफ्तार किया है और उन्हें पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में एक जानकारी यह भी है कि दो और नामजद अभियुक्त 2 दिन पहले कोर्ट में आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में, जिनके नाम है सूरज दास और सुजीत मंडल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला अधिकारी से सीएम ने बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति की जानकारी ली और रिपोर्ट मांगी। भागलपुर के NIC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी एवं जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने मुख्यमंत्री को बाढ़ एवं सुखाड़ से संबंधित ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का दौरा कर सभी अधिकारियों को सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया और कहा बाढ़ और सुखाड़ की पूरी रिपोर्ट अविलंब दी जाए, जिससे समय रहते इससे प्रभावित लोगों को सहायता मुहैया कराया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने DM समेत पुलिस पदाधिकारियों को पीड़ितों की सहायता के लिए मुस्तैद रहने की बात कही। साथ ही कहा कि बिहार सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों एवं किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में SSP आशीष भारती, ADM राजेश कुमार राजा एवं नौगछिया SP निधि रानी मौजूद थी। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति भागलपुर इकाई की ओर से शनिवार को जिला स्कूल परिसर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व समिति के संयोजक श्याम नंदन सिंह ने किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षकों ने पटना में शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार किए गए शिक्षकों को बिना शर्त रिहा करने, फर्जी मुकदमा वापस लेने, समान काम समान वेतन देने, राज्यकर्मी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने एवं बिना शर्त शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ देने की मांग की। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मार्च जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचा और सरकार से अविलंब अपनी मांग पूरी करने को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी कार्यालय में मांग का ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानेगी तो आगे आंदोलन उग्र किया जाएगा और नीतीश सरकार को आगामी चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इस मौके पर समिति के साथ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ TIT, STIT समेत कई शिक्षक संघों के प्रतिनिधि और शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। पूरे बिहार में बिहार सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, समान काम समान वेतन की मांग, समान सेवा शर्त, राज्यकर्मी का दर्जा देने एवं
अनुकंपा पर बिना शर्त बहाली करने तथा हमारे गिरफ्तार साथियों को बिना शर्त रिहा करने के लिए आज पूरे बिहार में जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। इसमें शिक्षक आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। सरकार को आगाह किया जा रहा है कि हमारे तमाम मांगों को जो है आप शीघ्र मान लें और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उसे अविलंब आप रिहा करें। शिक्षकों के प्रति बिहार सरकार के दमनकारी रवैये एवं हमारे 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के बिहार के तमाम जिलों में भागलपुर सहित आज प्रतिरोध मार्च का आह्वान किया गया था। उसमें भागलपुर जिले के हजारों शिक्षक एकत्रित हुए थे और हम लोगों ने आज प्रतिरोध मार्च निकाला और निकालने के बाद अपना ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा। साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से भागलपुर के CMS हाई स्कूल में 27वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह दिशा निर्देशन कार्यशाला में मुख्य रूप से स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर DN चौधरी, डॉक्टर TK घोष और क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर दीपक कुमार ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। वहीं जिले भर से आए शिक्षकों को प्रकाश चंद्र गुप्ता और SKP सिन्हा ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे थीम पर कार्य करने की बात कही। जिला समन्वयक पवन किशोर सरन ने कहा कि बच्चे को विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार से जोड़ने के लिए साइंस फॉर सोसाइटी विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है। आज 27 जुलाई को जिला स्तरीय शिक्षकों की उन्मुखीकरण एवं दिशा निर्देशन कार्यशाला का आयोजन CMS स्कूल में किया गया। यह साइंस फॉर सोसाइटी के तत्वाधान में किया जाता है और यह कार्यक्रम में भारत सरकार का कार्यक्रम है जो जिसका आयोजन साइंस फॉर सोसाइटी जिला स्तर पर भागलपुर में करते हैं। इसमें मुख्यतः एक थीम को चुना जाता है जिस थीम का नाम है स्वस्थ, स्वच्छ एवं हरित राष्ट्र हेतु विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार। इस पर कैसे परियोजना का निर्माण हो, कैसे बच्चों से परियोजना बनाई जाए, इसके लिए शिक्षकों की एक कार्यशाला लगाई गई है जिसमें बच्चा उसको कुछ गुर दिया जाएगा, कुछ तकनीक बताया जाएगा कि बच्चों से कैसे परियोजना बनाए और उसका जिला स्तरीय जो हम लोग 2 महीना के बाद सितंबर में आयोजित करेंगे। भागलपुर के जैस गार्डन में शनिवार को भागलपुर मारवाड़ी महिला समिति की ओर से अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाली तीज सिंघाड़ा पर्व को लेकर रंगीलो महारो राजस्थान कार्यक्रम में मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने आपस में मिलकर खुशियां बांटी और समिति की ओर से सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी दिया गया। इस दौरान महिलाएं झूला झूलती नजर आई जबकि कई तरह की खेल प्रतियोगिता और मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। समिति की अध्यक्ष शोभा खेत्रीवाल ने कहा कि सावन की माह में बारिश होने के कारण हरियाली आती है और इसमें सभी मिलजुल कर आपस में हरियाली का पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में मारवाड़ी समाज की महिला एवं नव विवाहिता भी मौजूद थी। ये प्रोग्राम हम लोगों का हरियाली तीज के रूप में राजस्थान से ही चला आ रहा है। राजस्थान में क्योंकि बहुत सूखा पड़ता है और सावन के महीनों में बारिश होने से भूमि में काफ़ी हरा भरा हो जाता है, इसलिए इसका हरियाली तीज के नाम से हुआ। इसमें लड़कियां पीहर आती है सावन में और हम लोग उनको बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, मेहंदी लगवाते हैं और उसके बाद मेहंदी लगवाने के बाद में उनको बहुत सारा गिफ्ट देकर ससुराल विदा करते हैं। वो लोग लड़कियां लोग बायना निकालती है तो वो बायना हम लोग अपनी सास को देते हैं। ये सावन का महीना है और सावन का महीना शिव शक्ति का है, शिव में अपार शक्ति होती है। अखिल भारतीय महिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा एक सिंघाड़ा तीज कहा जाए हरियाली तीज का एक बहुत ही सराहनीय ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया जिसमें से मुझे लगता है कि शहर की सारी महिलाएं, मारवाड़ी समाज की सारी महिलाएं एकजुट हुई और हम लोग आपस में एक दूसरे से मिले जुले, एक अच्छा वातावरण हुआ। एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584, 8430075573।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वरनाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए सत्र को लेकर भागलपुर टीएनवी कॉलेज में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि इंटर और स्नातक का एडमिशन समाप्त होने वाला है। इसके बाद कॉलेज में नियमित रूप से कक्षा शुरू हो जाएगी और जिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% से कम होगी उसे परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा। प्राचार्य ने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से कॉलेज भेजने की अपील की। वहीं प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने महाविद्यालय की कई उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पिछले 4 वर्षों का AQAR नेक को भेजा गया है, साथ ही नेक के सुझाव पर कॉलेज प्रशासन अमल भी कर रहा है। प्राचार्य ने बताया कि राजभवन के हर परिसर हरा परिसर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कॉलेज कैंपस में 6000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने राज्यसभा सांसद कहकशा प्रवीण, नगर विधायक अजीत शर्मा और MLC डॉक्टर NK यादव द्वारा कॉलेज में करवाए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। मौके पर मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर राजेश तिवारी भी मौजूद थे। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है 2014 में NAC से एक्रेडिटेशन हुआ था TNV कॉलेज भागलपुर का। अब एक्रेडिटेशन की एक नई प्रणाली डेवलप हुई है पिछले साल से और इसके तहत हम लोगों ने जो कार्य किया है वो मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। NAC से संबंधित कार्य में पिछले 4 वर्षों का AQAR तैयार कर अपलोड कर दिया गया है। ये मेरे कार्यकाल का अवलोकन है। कक्षाएं सुचारू रूप से चले इसके लिए लगातार 2 जुलाई से मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रहा हूं और मौका मिलने पर लैब क्लासेस में खुद खड़ा होकर प्रमोट करता हूं कि लैब क्लासेस हो, बच्चे उसको सीखें। 12 अगर कोर्स में लैब का टॉपिक्स है तो 10 ही हो लेकिन सभी बच्चे सीख के जाएं। और मुझे खुशी है कि इसमें शिक्षकों के सहयोग से, डेमोंस्ट्रेटरों के सहयोग से और कर्मियों के सहयोग से ये चरितार्थ होता नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी का सुझाव था NAC का, जिसमें मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है श्री अजीत शर्मा जी जो नगर विधायक हैं अपने, उनके द्वारा छात्र सेवा केंद्र का काम हो रहा है गेट नंबर 1 के पास। साथ में आप बाएं तरफ देखेंगे उनके सहयोग से और अन्य गणमान्य लोगों के सहयोग से नगर निगम का एक फ्रेश बोरिंग हो रहा है, जिससे कि भविष्य में TNV कॉलेज को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा।
सुल्तानगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 10 की पार्षद नजमा खातून के पुत्र साहिर काजिम पर घात लगाए अपराधियों ने गोली चला दी। इस घटना में साहिर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल साहिर को इलाज के लिए रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मुरारका कॉलेज के समीप बदमाशों ने साहिर से मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन विरोध करने पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। गोली साहिर के गले को छूते हुए निकल गई। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बांका के पंजवारा मुख्य मार्ग निमझरी गांव के समीप शुक्रवार की देर रात तेज गति से आ रहा बालू लोडेड हाईवा पलट गया। दुर्घटनाग्रस्त हाईवा में धौरैया रोड में हो रहे सड़क निर्माण का बालू लदा था। घटना में हाईवा का चालक और खलासी बाल बच गया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सड़क किनारे मिट्टी भरे होने के कारण दुर्घटना हुई, जबकि इससे पूर्व भी इसी जगह पर पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श गांव धरारा निवासी कमलेश्वरी प्रसाद सिंह के 40 वर्षीय पुत्र बीएसएफ जवान मुकेश कुमार सिंह की बीमारी के कारण मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मुकेश न्यू जलपाईगुड़ी में 148 बटालियन में कार्यरत था और गुरुवार को अचानक तबियत खराब होने पर सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। शनिवार को मुकेश का पार्थिव शरीर को धरारा लाया गया। मौत से पत्नी अंजना देवी, बहन पूनम कुमारी का रो रोकर बुरा हाल है। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और शव के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में शनिवार को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं से 7वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता स्कूल की निदेशिका डॉक्टर निहारिका भारती के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। वहीं प्रतिभागियों ने आधुनिक तकनीक के वरदान और अभिशाप पर खुलकर चर्चा की। बच्चों का एक समूह आधुनिकता को वरदान साबित करने की कोशिश करता रहा, जबकि दूसरा समूह इसके दुष्प्रभाव पर तर्क वितर्क करता रहा। प्रतियोगिता काफी रोमांचक रही। इसके अलावा प्रतिभागियों ने भारतीय समाज एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कई बिंदुओं पर चर्चा की। प्रधानाचार्य मनोज पांडे ने कहा कि सफल प्रतिभागी में अर्णव चौहान, शिवांशी भगत और आदित्य कुमार शामिल है। मौके पर जीडी गोयनका स्कूल के चेयरमैन और शिक्षकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए सामाजिक कार्यों में रुचि लेने की बात कही। Morning everyone, I am Arnav Chauhan from grade 7 and I am going to tell something about activities which is happening in the school. They used to make us do activities every week and the study is not the rote learning, it's activity based learning. I am thankful for the management and the community of the school that they provide us. Thank you. तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के सामने आम का पुराना पेड़ गिर गया। पेड़ जिस समय गिरा उस समय कुछ कर्मचारी और छात्र उसी रास्ते से गुजर रहे थे, जो बाल बाल बच गए। इसके बाद केंद्रीय पुस्तकालय होकर प्रशासनिक भवन तक जाने वाली सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। हम आपको बता दें कि अब भी कई ऐसे सूखे पेड़ कैंपस में है जो कभी भी किसी हादसे को दावत दे सकते हैं। श्रावणी मेला के दौरान कला संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए कांवरिया सेवा शिविर धांधी बेलारी में अंग हेरिटेज म्यूजिकल ग्रुप की ओर से भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांवरियों की थकान मिटाने और मनोरंजन के लिए कलाकारों द्वारा कई मनमोहक प्रस्तुति दी गई। ग्रुप के निदेशक अनुमय मिश्रा के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में गायिका रंजीता पाठक एवं सचिन कुमार ने भोलेनाथ समेत माँ शक्ति से जुड़े कई भजन की प्रस्तुति दी, जबकि पद्मा मिश्रा एवं आन्या मिश्रा ने नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से सभी कांवरियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान अजय अटल, गजेंद्र मिश्रा, निराला वारसी, विजय कुमार एवं गौरव सोनी के अलावे काफी संख्या में कांवरिया मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। दिनेश चौधरी हत्याकांड का आरोपी विजय दास चला पुलिस के हत्थे, सिटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बाढ़ सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से की बात, स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। पटना में शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षकों ने निकाला प्रतिरोध मार्च, राज्यकर्मी का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से उन्मुखीकरण सह दिशा निर्देशन कार्यशाला का हुआ आयोजन, आधुनिक तकनीक पर हुई चर्चा। और हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह, राजस्थानी गीतों पर जमकर लगाए ठुमके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।